हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूला हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर तो सीख ही चुके हैं, गूगल शीट पर कैसे यूज करेंगे। और सिर्फ हम वी लुकअप फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आप, हमारे पास हमने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर रखी है। यहां पर अगर आप ड्रॉप डाउन पे जाते हैं तो यहां पे आपको तमाम नाम मिल जाएंगे। अभी मैं इसको छोड़ता हूं। यहां पर हम सबसे पहले लगा लेते हैं रैंड बिटवीन फॉर्मूला, जैसा कि आप एक्सेल पे लगाते थे, यहां पर भी रैंड बिटवीन फॉर्मूला आप लगा सकते हैं रैंडमली नंबर्स लाने के लिए। तो यहां सबसे छोटा नंबर फिर सबसे बड़ा नंबर कॉमा से सेपरेट करके लिखा हमने और एंटर प्रेस किया तो यहां एक नंबर आ गया है। अब इसको हम यहां से ड्रैग करके और सभी जगहों तक फैला देंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे चारों ओर और यहां से इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद कॉपी किया हमने और कॉपी करने के बाद अब यहां पर हम करेंगे पेस्ट स्पेशल और इसको बनाएंगे वैल्यू। तो यहां हमने वैल्यू बना दिया। अब हम सीखेंगे पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर ड्रॉप डाउन पहले से बनी हुई है, यहां पर हम उसके अनुसार यहां से नेम चूज कर सकते हैं, जैसे राम हो गया, फिर यहां पर आकर के यहां से श्याम किया हमने, फिर यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से सचिन हो जाएगा। ये ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन पर जाइए और वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहां से और एट लास्ट ये भी, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, बिना इज इक्वल टू के फॉर्मूला स्टार्ट होता नहीं। यहां लिखेंगे सम, ब्रैकेट लगाएंगे और यहां से ड्रैग करवाते हुए यहां तक आ जाएंगे तो ये हमारा टोटल होके आ जाएगा पांचों सब्जेक्ट का। इसको क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑब्टेन मार्क्स यानी सम हमने कर लिया, ऑब्टेन मार्क्स निकाल लिया, डबल क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, निकाल सकते हैं यहां से इज इक्वल टू का निशान लगाया, एम आई एन मेन फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। और यहां से ब्रैकेट आपको लगाना है तो यहां लगा लिया ब्रैकेट और यहां से आपको ड्रैग करते हुए आ जाना है ड्राइंग तक, ठीक है। यानी B2 जो कॉलम है वो हमारा शुरुआती कॉलम है, यानी स्टार्ट हमने B2 से किया और B2 से लेकर G2 तक हमने सेलेक्ट कर लिया, बीच में कोलन के निशान का, कोलन के साइन का यही मतलब है। इसको बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आ गया 8, यानी मिनिमम मार्क्स जो इन्होंने गेन किए होंगे, जो राम है जिन्होंने मिनिमम मार्क्स गेन किए हैं सारे सब्जेक्ट में वो है 8, ठीक है। तो ये मिनिमम मार्क्स आ गया। इसके बाद से यहां मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे, यानी सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में गेन किया तो कितना गेन किया इन्होंने वो ये बता देगा। तो यहां पर रखा हमने और इसके बाद इसको क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो यहां 87 मार्क्स यानी 87 मार्क्स इनके मैक्सिमम मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में होंगे। और यहां पे एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे तो इज इक्वल टू ए बी ई आर ए जी ई एवरेज लगा लिया हमने, ठीक है। आप फॉर्मूला यहां से एफएक्स पे क्लिक करके भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया एवरेज और हमने अब सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर हमें B2 से लेके कहां तक सेलेक्ट करना है, यही तक करना है G2 तक, ठीक है। तो ये B2 से G2 तक सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया क्लोज करने के बाद और यहां से डबल क्लिक करेंगे तो ये एवरेज भी हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब इस पे हम बॉर्डर बना लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर बना लेंगे तो ये थोड़ा बढ़िया दिखेगा, बोल्ड कर लेते हैं। अब बॉर्डर बनाएंगे यहां से तो यहां पे क्लिक करेंगे और ये ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई पड़ने लगेगा। अब अगर चाहते हैं कि इसकी साइज बढ़ जाए टाइटल की, टाइटल को और थोड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं तो यहां से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम पूरा, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये अलाइनमेंट, ठीक है। तो हम इसको सेंटर अलाइन रखेंगे, ठीक है। सेंटर अलाइन रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऊपर वाले को, ये जो ऊपर वाला हमारा टाइटल है इसको हम किसी डिफरेंट कलर में करना चाहते हैं तो यहां से बैकग्राउंड कलर हमारा लगता है तो यहां पर आकर के कोई भी डिफरेंट कलर इसको दे सकते हैं। टेक्स्ट कलर रेड कर देंगे तो ज्यादा बेहतर, ठीक है। अब ये सही से दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, यहां पे वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। हम किसी भी एक नेम को कॉपी कर लेते हैं। देखिए वी लुकअप फॉर्मूला जो है जो लास्ट है, ठीक है। तो यहां पर एक नाम हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हमने नेम, ये नाम हमने कॉपी कर लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट कोई भी एक चीज जो हमें चाहिए होगी उसको कॉपी करते हैं, जैसे ऑप्टेन मार्क्स अगर हमें चाहिए किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है। तो यहां पर रखा हमने और यहां पर क्या करेंगे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास हो गई। अब यहां पर इज इक्वल टू वी लुकअप लगाइए आप, इज इक्वल टू वी लुकअप लगाया हमने तो वी लुकअप आ गया यहां पे। अब वी लुकअप का सिंटेक्स कहता क्या है कि आपको क्या देखना है, तो हमको राम को देखना है, कॉमा कहां पे मिलेगा ये राम, इसी कहीं टेबल में कहीं होगा, ठीक है। इस पूरे टेबल को मैं कर लेता हूं सेलेक्ट, F4 दबाइएगा फंक्शन की तो ये फ्रिज हो जाएगा, यानी डॉलर लग जाएगा रो के पहले भी कॉलम के पहले भी, तो ये डॉलर लगा दिया हमने, कॉमा देंगे। अब यहां पर क्या करना है, इसका सिंटेक्स ये कहता है कि यहां पर आपको देना है
वो रो कॉलम नंबर, जिस भी कॉलम नंबर का नंबर आप देखना चाहते हैं। तो आइए काउंट करते हैं यहां पे, ये देखिए ये पहला ए पहला कॉलम, बी दूसरा कॉलम, सी तीसरा कॉलम, हमें आप 10 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 तीसरा कॉलम हो गया, अब ये चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, ये आठवां कॉलम है। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंपली 8, ठीक है, 8 लिखा हमने, और अब क्या करेंगे, कॉमा देंगे, जीरो देंगे, और इसको करेंगे क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पे आ गया है 238 नंबर। आइए देखते हैं राम के 238 मार्क्स आए हैं या नहीं। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये राम है और इनके हैं 238 मार्क्स, ओके। चलिए यहां से हम ड्रॉप डाउन थोड़ा चेंज करते हैं, यहां पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और किसी और के मार्क्स देखते हैं। यहां पे देखते हैं रत्नेश, ये जो हैं इनके मार्क्स देख लेते हैं, रमेश के। तो यहां देखिए 344 मार्क्स आए हुए हैं रमेश के, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं आप।